किसानी अंदोलन को लैके जिथे दिल्ली दे विच किसानों वालों भारी गिणती विच कूच किया जा रहा है, अपने हकों के लिए संघर्ष किया जा रहा है। तुसी देख सकते हो कि जिवें मैं पहले भी कहा कि दिखाना चाहता कैमरामैन को, दिखा लेंगे किदा जिहड़ा किसान जिहड़े अपने अंदोलन लिए किदा अपने अपने ट्रालियां लैके एक थान पर जिहड़े उन्होंने धरने लगाए हुए हैं हकों की, क्योंकि किसानों की जमीन हक किसानों के जो हक है उन्होंने मां जिहड़ी आ उन्हूं जिहड़ी आ अज दी मोदी मोदी सरकार भाजपा सरकार ने जिहड़ा तीन काले कानूनों में लिया के इदां दा काले कानून बना दिते है कि मौत दे वारंट बन गए ने, उन्हूं लैके जिथे हर वर्ग में रोस है, हर जिहड़ा वर्ग का लोग है वह भी अज दिल्ली दे विच बहीरा कत के बिना भेदभाव तो बिना किसी धर्म तो जिहड़ा इत्थे पहुँच रहा है। उत्थे अज असी दिल्ली दे विच संघ बॉर्डर ते देख रहे हैं कि गुरु साहिब दी लाड़ियां फौजां जिहड़ियां वह भी कूच कर चुकियां ने, क्योंकि गुरु साहब ने वह फौजें तैयार की जिन्हें निडर सियाँ जिन्ह ने बेविखौफ सियाँ बिना कोई डर नहीं पै नहीं कोई किसी मतभेद नहीं उन्होंने लैके गुरु साहब फौजा और गुरु साहब वालों जो आवाज जोड़ा गुरु साहब के हमेशा अंग संघ रहा आवाज भी अज तुम देख सकते हो इतने सिख साहब खड़े ने सिंह साहब उन्होंने को कंधे के उत्ते इस वे विराज ने और गुरु साहब का नगारा जदों सिंह साहब की खालस की निशानी है जो खालसा कितने भी कूच करता है तो नगारा जरूर बजता है और नगारे जरूर जरा पिछे जी सिख कौम जी सिख पंथ जो चलता है। सो बाद जो गुरु साहब का वह भी देख सकते हो कि मोढ़े पर बैठे अज वह भी गुरु साहब जोड़े आप हाजिर नाजर हो के दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जोड़े आप इस अंदोलन में शामिल है और एक जज्बा भर रहे हैं किसानों के अंदर किस एक जज्बा भर रहे हैं लोगों के अंदर कि हक मिलने नहीं खोने पैंदे ने। सो गल करिए साडे नाल सिंह साहब जिहड़ा तुसीं पहला सब तो कित्थों आए हो थोड़ा अपना दस्सो। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। असीं पिंड कूमकलां जिला लुधियाने तो आए जी, इसी बाज लै के आए भी चढ़दी कला का प्रतीक है जी। तो नगारा जदों साडे गुरु साहब जंग ते जांदे सीगे घंटा पहला बजाउणा बजाउंदे सीगे जोधियां च वीरा साज के जित के आ के फिर भी बजाते थे। तो बाज की उच्ची होंगी सोच उच्ची अडारी मारता है नीवा झाकता दुश्मन के थले यही का यही देखते हैं भी मोदी ने साडे नाल धक्का किया वा नेरी थाली आ बाज नेरी कन्नी नूं चढ़दा ये मोदी नूं हराउण खातर बाज लैके आया। जिवें गुरुआं की गल करिए श्री हरगोबिंद सिंह महाराज ने भी दो मीरी पीरी दी तलवारां जिहड़ियां रखियां सी उन्होंने गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने भी कहा कि अपना पहला वार नहीं करना वार सहना जुलम करना पाप है जुल्म सहना महापाप है। सो अज जिहड़ा महापाप हो रहा है जुल्म बिल्कुल जुल्म की हद हो चुकी है मोदी जिहड़ी सरकार है बिल्कुल अटल हो चुकी है कि नहीं रद्द करने कानून किसानों अंदर रोस है की कहना चाहते हो। असीं जी जिहड़े तिन्ने काले कानून ने इन्हां नूं पूरा रद्द करा के जावांगे साडे पूरा दृढ़ विश्वास आ साडे नाल पूरे सारे जिन्ने किसान ने पूरे मोढ़े नाल मोढ़ा जोड़ के इत्थे आए हुए ने असीं पूरा जिन्ना इकट्ठ तुसीं देख रहे हो किन्ना इत्थे इकट्ठ आ लखां दी संगत लोग आ गए इकट्ठ तो ट्रालियां भर भर लोग ट्रैक्टर भर भर के लोग आ रहे हैं अपने तो यह जिहड़ा काला कानून आ तिन्ने काले कानून असीं मोदी साहब की पिट्ठ लवा के जावांगे पूरी असीं ये चाहुंदे आ वी जिहड़े मोदी साहब को साडा सुनेहा पहुंचे ये सारे किसानां दर्द उन्हां नूं पता लगे भी किसान किन्ने दर्द च ने इत्थे किस तरह प्रॉब्लम दे विच आ के ये लोग अपना काम कर रहे हैं लंगर लाए ने तो निष्काम सेवा चल रही है पूरी असीं कूमकलां पिंड तो असीं मतलब ये लंगर लगाया है लुधियाना डिस्ट्रिक्ट विचों तो ये गुरु साहब की कृपा वा भी इतने कोई भेदभाव नहीं है सब नूं लंगर पूरा मिल रहा है हरेक जगह का बंदा इतने आके लंगर पानी छक रहा वा कोई जात धर्म नहीं है किसी का सब खुश पूरे खुश हो के इतों लंगर पानी छक के जा रहे हैं तो असं ये चाहते हैं भी साड़ी ये जिहड़ी मंग आ बहुत जल्दी मनी जाए ठीक है ना। तो कारण यही है भी जे असीं इतने लोग परेशान हो रहे हैं रातां कट रहे हैं तो ठंड दी रातां ने बड़ी प्रॉब्लम है सब नूं लेकिन ये साडे मन दे विच इन्ना रोस आ विरोध मोदी साहब साड़ी नेड़े होकर गल सुने उन्होंने ये गल बहुत जल्दी मननी चाहिए आ सारिया जिहड़ियां बत्ती दियां बत्ती साड़ियां किसान यूनियन उत्थे उन्होंने कोले बैठिया ने उन्होंने उन्होंने बार बार कह चुकी हैं साडे गल्लां मनो ये जिहड़े साडी जमीना सब तो खो रहे हो तुसीं ये जमीना खोनिया नहीं चाहिए क्योंकि जब किसान ही नहीं होगा अन्नदाता कित्थे बनूगा जे किसान खत्म हो जाऊगा तो अन्नदाता बिल्कुल खत्म हो जाऊगा। जिवें खालसा जिवें हुण जिहड़े आ 25-26 तरीक तो शहीदी दिहाड़ी भी शुरू हो जाएंगे गुरु साहब का आनंदपुर किला छड़ना चमकौर दे विच जाना जां शहीद छोटे साहिबजादे दी शहीदी हो जानी आ वह दिन जदों हुण वह दिन जिहड़े आ वह भी बहुत 25-26 तो जिहड़े आ रहे ने दिन बड़ा संगत दे विच उस वेले रोस भरे दिन भी मनाउंदे ने नगारा जिहड़ा गुरु साहब का जदों बजदा ते आने वाले लोग है इकट्ठे हुंदे ने बाज नूं दवाज दे दर्शन करदे ने। हाँ जी जदों नगारा वजाउंदे आ बाज हुंदा इत्थे सेल्फियां लैंदे आ लोग इकट्ठ हो जांदा ते दो दो घंटे साढ़े इकने लंघ जाते हैं बी सैल्फिया लोग लेंदे कहता मैं फोटो खिचाउनी कहता मैं फोटो खिचाउनी
बाकी शहीदी दिहाड़े यार कि इतों ही मनावे असं डटे रहेंगे जिन्ना चर साड़ियाँ मंगा नहीं मानता है उन्ना चर असं जाते नहीं इतों और खालसा जी जदों गल चलती है अंदोलन की तो जी मौजूदा सरकार है चाहे केंद्र की सरकार है भाजपा सरकार है वो ये आज अजे यूथ न खालिस्तान जुड़ रही है या नशेड़िया जुड़ रही है तुम इतने आए हो तुम किन्ने दिनों तो पहले तो इत बैठे हो असी बस 26 तरीक तो आए हुए हैं जी तुम की देखा कि मतलब जो वाकई यूथ जिदा इकट्ठ आ रहा है इन्हें कि नशेड़ीपन है या कि खालिस्तान है इदा कोई नशेड़ी नहीं है जी कोई खालिस्तानी नहीं है सब ये किसान जथेबंदियां मुंडे सारे यूथ उ है जी और कोई नहीं है जिमें बाज है गुरु साहब की निशानी जी बाज है बड़ा लोग दर्शन करते हैं कि अंदर एक बड़ा जज्बा किदा का पैदा होंगे ये जरा जी मतलब जोड़ा बाज में देख के मतलब आम जी संगत का उन्होंने मन च आता भी यह गुरु साहब की जी निशानी है बाज यू देख के उन्होंने मन च यह आता भी यह जितना प्रतीक है ये कदे मतलब अपने गुलाम नहीं रहना चाहता हमेशा यह खुलियां डारियां मारता इस तरह का खालसा राज आ जा खालसे लोग ने जा किसान ने जिन्हें भी ने सब की मदद करनी चाहते हैं हरेक लिए वास्ते वो अन्नदाता बनना चाहते हैं जेकर साड़ियां जी जमीन खो रहा है मोदी सरकार जां होर जिहड़े नाल बंदे बैठे ने उन्हां नूं जमीन खो के दे रहे ने वो बिल्कुल गलत शरम गलत कर रहे हैं काम वो ये नहीं करना चाहिए जेडे तिने काले कानून ने वापस करके सारे लोगों को खुशी बरतानी चाहिए आ जिमें मुगलों की गल करिए मुगलों के काल जो दसम पातशाह ने जंग भी लड़िया कई जंगा उन्होंने ना लड़िया औरंगजेब का राज भी आया श्री गुरु ये वो धरती है जिथे श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी का सिर कलम भी हुआ शीशगंज गुरद्वारा साहब सुशोभित है इस धरती के उत्ते ही सिख कौम जी सी गुरु साहब की लाड़ी फौज सी सिख धर्म से उन्होंने हिंदू धर्म की रक्षा की अज उ जोड़े हिंदूवादी हिंदू तत्व के लोग ने मतलब अज कि देखो लोगों के नाल चाहे बजुर्ग बे महिलावान ने बीबिया ने बजुर्ग बड़े बड़े जड़े तो तुरै भी नहीं जाता वो भी अपने हकों छोटे छोटे बच्चे हक लैन लिये वंचे हुए हैं कि लगता है औरंगजेब का काल आ गया ये रंगजेब का ही औरंगजेब का ही राजा है होर तो कोई नहीं है असी तो इन्होंने पिछले सिर भी दिते आना तो साढ़े सिर पढ़ने शुरू करते रंगदेव का ही राज है इन्होंने इदू तो बहुत चंगे से इन्होंने काले अंग्रेजा का गोरे अंग्रेजा ये काले अंग्रेज सानू माड़े निकले आ शहीद भगत सिंह जोड़ा है उन्हें बड़ी लासानी छोटी उम्र के बड़ी कुर्बानियां करते हैं शहीद करतार सिंह सराभा की गल कर दीए या फिर ऊधम सिंह की गल करिए दिल्ली पंजाब दे विचों लंडन जाके गोली नाल शूट किया बदले ले गए थे अज वो हालात 84 वाले ज 47 वाले भी बंदे नज़र आ रहे हैं ये नहीं जी अब वैसे शांति ना सारा करना चाहते हैं काम ये जोड़ा भी है भी ये लोग बहुत शांति ना देखो पूरा डिसिप्लिन चल रहा सारा कुछ कोई ऐसी किसी के मन च नहीं है गल भी इदा की कोई गलबात हो लेकिन असी बार बार मोदी सरकार को बेनती कर रहे हैं भी साड़ी जी काले कानून तिने रद्द करके लोगों की जमीन जी बिल्कुल वापस की जाए और किसी का कोई कब्जा ना हो ठीक है ना जी ना उन्होंने किसी की पैसे लौड़ है जब सानू काले कानून सानू कानून की लौड़ ही नहीं है असी क्यों कानून लीए असी सानू कानून साढ़े क्यों थोपे जा रहे हैं ठीक है ना जी पर मोदी सरकार तो अजे तक नहीं अड़ रही है इन 5-6 मीटिंगा भी किसानों हो गई सुप्रीम कोर्ट भी केस चल गया बाहरलिया जिहड़ियां बाहरले स्टेट कंट्रियां दे जिवें ट्रूडो ने जिहड़ा कनेडा का मुख्यमंत्री आ प्रधानमंत्री आ उन्हें भी यह गल कह दी है कि मोदी को वापस कर देनी चाहिए आ साडे पंजाबी जिन्हें भी विदेशों में बैठे आ चाहे एम पी ने उत्थे दे चाहे MLA ने जां प्रधानमंत्री ने ज अपनी गल करिए अपने देश के टोटल जिहड़े ऑपोजिशन आए आ उन्होंने भी विरोध किया पर क्यों नहीं है मोदी दे सरक जूं सरक रही भी क्यों ना किसान क्यों नहीं सुन रहा ये अडानी तो अवानी का गुलाम है जी ये मोदी साहब आ जिहड़ा अडानी के गुलाम उन्होंने अवानी का गुलाम है उन्होंने सोचता उन्होंने खरीदया हुआ बंदा है ये ता नहीं जी मानता है सो ये सन वो खालसे गुरु साहब के सिंह जिन्होंने ये गल कही है कि औरंगजेब ने तो जो जुल्म किया हूँ जो मोदी सरकार है औरंगजेब तो भी वध है औरंगजेब की अज जे गल करिए मड़ी तो दीवा जगाने वाला भी कोई नहीं मंग के तेल जोड़ा उ एक बैठा वो तेल मंग के उदी मड़ी तो दीवे जगा रहे पर यह धरती दिल्ली से संघर्ष छिड़िया जिते 9वीं पातशाह श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी का सिर कलम चांदनी चौंक की गल करिए सुशोभित है जो भी जगह देसी घे दे दिन रात जीवे जगते हैं श्री अखंड पाठ साहब के गुरु साहब के नित पाठ होंगे ने बहुत बड़ा गुरुद्वारा साहब सुशोभित है वो धरती है जिते इतने लंगर की गल करिए लंगर भी बिठा बदमा देसी घे दे
जलेबियां दे होवे, हर तरह का लंगर जिवें देखिया सी, हर लंगर दा ते जाके भी देखिया कि बहुत वड्डे भारी लंगर, किसी धर्म बिना भेदभाव तो पुछया नहीं जांदा भी किहड़ी कौम है किहड़ी जात है। तो गुरु साहब का एदे अटुट लंगर, गुरु नानक साहब का 20 रुपए का लंगर जो चलिया चलता रहेगा, हमेशा चलता ही रहना है। सो ਇਹ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਆਵਾਜ਼ ਔਰ ਨਗਾਰਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਜ਼ਬਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਡੀ ਫਾਈਵ ਚੈਨਲ ਲਈ ਸੰਘ ਬਾਰਡਰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਨਰਿੰਦਰ ਰੱਤੂ। ਡੀ ਫਾਈਵ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।